गाइस, मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो मेरा नाम है प्रदीप। तो आज हम सीखने वाले फ्रिजनेस 5008S मशीन का ऑनलाइन प्राइम है। तो वीडियो पूरा देखियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलो मत। चलो तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। अब हम मशीन स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप जब भी HDF स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले रिंस करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप स्ट्रेटनर स्टार्ट करो। हमने रिंस कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम डायरेक्ट जाएंगे ट्रीटमेंट मोड पर। इधर अभी दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें से हम ट्रीटमेंट सिलेक्ट करेंगे। जब भी ट्रीटमेंट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद मशीन ऑटोमेटिक T1 टेस्ट में चली जाती है। अब मशीन को हम ए पार्ट और बाय बैक कनेक्ट करेंगे। ए लगाने के बाद T1 टेस्ट पास होने में 10 मिनट्स लगते हैं। ऑनलाइन प्राइमिंग के लिए हमको कोडेक्स डायलेजर और फ्रिजनेस 5008 की ब्लड ट्यूबिंग चाहिए। ऑनलाइन प्राइमिंग के लिए IV सेट और नॉर्मल सलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मशीन खुद ही सब्स्टिट्यूट फ्लूड सीक्रेट करती है, वही सब्स्टिट्यूट फ्लूड से ऑनलाइन प्राइमिंग होती है। तब तक हम सर्किट के बारे में जानकारी देते। तो है ब्लड पंप, उसके बाद आता है अल्ट्रियल डोंग, उसके बाद आता है हिपेरिम पंप और यह है अल्ट्रियल क्लैंप और नीचे के साइड है BVM। यह है सब्स्टिट्यूट पोर्ट और यह है रिंस पोर्ट। उसके बाद आता है अल्ट्रियल BTM और उसके साइड में रहता है वेनस BTM। यह है सब्स्टिट्यूट पंप, यह है वेनस क्लैंप, है ऑप्टिकल सेंसर, इधर एयर डिटेक्ट होता है, इधर हम वेनस चैम्बर लगाते हैं। T1 टेस्ट पास हो चुका है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्राइमिंग। पहले हम लेंगे डायलेजर। हम यूज करने वाले FX600 कोडेक्स डायलेजर, जो कि HDF में यूज होता है। उसको हम उल्टा रखेंगे, क्योंकि प्राइमिंग के टाइम डायलेजर को उल्टा ही रखना चाहिए। T1 टेस्ट पास हो चुका है, तो अभी हम डायरेक्ट कपलर लगाएंगे, वो भी काउंटर करंट। उसको बंद करेंगे। अब हम लेंगे ब्लड ट्यूबिंग। तो इस मशीन का ट्यूबिंग थोड़ा अलग आता है। तो इस किट में हमको 3 लाइन मिलता है। तो एक रहता है अल्ट्रियल लाइन, एक रहता है वेनस लाइन और एक रहता है सब्स्टिट्यूट लाइन, और इसके साथ एक कनेक्टर और एक रिंसिंग कनेक्टर भी साथ में आता है। तो पहले हम लगाएंगे अल्ट्रियल लाइन। अल्ट्रियल लाइन लेने के बाद हम डोर खोलेंगे। अब इधर आप देख सकते हैं, इधर छोटा सा की है। ये की हम जो ब्लड पंप के पास में एक छोटा सा सेंसर रहता है, उस सेंसर में लगाएंगे। लगाने के बाद छोटा सा साउंड क्रिएट हो जाता है। साउंड आने के बाद अल्ट्रियल डोंग बाहर आता है। अल्ट्रियल लाइन की एक साइड हम डायलेजर के पास लेके जाएंगे और डायलेजर को कनेक्ट करेंगे।
लाइन हम डोंग में लगाएंगे। डोंग का काम आर्टरी प्रेशर मेजर करना रहता है। उसके बाद हम हिपेरन लाइन का क्लैंप बंद करेंगे। बाद में हम आर्टेरियल क्लैंप में लगाएंगे। उसके बाद बीबीएम में लगाएंगे। बाद में बीटीएम में लगाएंगे और लाइन को बाहर के साइड निकालेंगे और आईवी लाइन का क्लैंप भी बंद करेंगे और लाइन को ऊपर के साइड लेंगे। उसके बाद हम लेंगे वेनस लाइन। वेनस लाइन लेने के बाद हम पहले वेनस चैम्बर को वेनस चैम्बर की जगह लगाएंगे। लगाने के बाद ऊपर की लाइन हम डायलेजर की तरफ लेके जाएंगे। और उधर का क्लैंप भी बंद करेंगे और लाइन डायलेजर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम टीपी लगाएंगे। टीपी ट्यूबिंग के साथ आता है तो उसको टाइट करेंगे। उसके बाद हम ऑप्टिकल सेंसर में लगाएंगे और उसके नीचे वेनस क्लैंप में ही लगाएंगे और बीटीएम में भी ट्यूबिंग लगाएंगे और उसके बाद ट्यूबिंग बाहर निकालेंगे और ऊपर के साइड रखेंगे। उसके बाद हम लेंगे सब्स्टिट्यूट लाइन। सब्स्टिट्यूट लाइन को भी एक साइड से की रहता है और वो सब्स्टिट्यूट पंप के साइड में एक सेंसर रहता है तो उस सेंसर में हम लगाएंगे। लगाने के बाद भी एक साउंड क्रिएट होता है। इस प्रकार का साउंड रहता है। लाइन के साथ एक कनेक्टर भी आता है। ये कनेक्टर को हम आर्टरी लाइन कनेक्ट करेंगे। और उसका क्लैंप खोलेंगे और जो दूसरा साइड रहता है उसको हम सब्स्टिट्यूट पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। वो खोलने के लिए हमको उसको थोड़ा पुल करके दूसरे साइड करना पड़ता है और लाइन को अंदर थोड़ा पुश करके क्लैंप को उधर ही लगाएंगे। उसके बाद हम लेंगे रिंस कनेक्टर। ये रिंस कनेक्टर हम वेनस लाइन को कनेक्ट करेंगे। वेनस लाइन को कनेक्ट करेंगे और उसको हम रिंस पोर्ट को लगाएंगे। रिंस पोर्ट भी पुल करके साइड करना है और रिंस कनेक्टर उसमें अंदर थोड़ा पुश करके लगाना है। उसके बाद क्लैंप उसी जगह रखना है और वेनस लाइन का क्लैंप ओपन करना है। सब कुछ होने के बाद फिर से हमको एक बार रीचेक करना है। उसके बाद हम डोर बंद करेंगे। जैसे ही हम डोर बंद करते हैं तो जो ब्लड ट्यूबिंग रहता है वो पंप के अंदर ऑटोमेटिक ही चला जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उधर प्राइमिंग और रिंसिंग का ऑप्शन आया है तो हम उसको अब हम स्टार्ट करेंगे। अब प्राइमिंग और रिंसिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। रिंस ये 500 ml की रहती है। जब प्राइमिंग स्टार्ट हो जाता है तो पहले डायलेजर के डायलिसिस साइट फिल हो जाता है। उसके बाद ही ब्लड पंप स्टार्ट हो जाता है। ब्लड पंप स्टार्ट होने के बाद ब्लड पंप का स्पीड 100 रहता है। जब डायलेजर फिल हो जाता है उसके बाद ही ब्लड पंप इंक्रीज हो जाता है। रिंस खत्म होने के बाद ब्लड पंप 50 के स्पीड पे चलता है और डायलिसेट भी ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इसकी वजह से सर्कुलेशन में कितना भी टाइम रहता है सेट तभी भी
ज़्यादा सब्सिट्यूट और ज़्यादा डायलेसेट यूज़ नहीं होता है। यही फ़ायदा SDF मशीन का रहता है। इस तरह से हमारा ऑनलाइन प्राइमिंग हो चुका है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ नया टॉपिक चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।